Everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज की वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से देख ली होगी कि आज की वीडियो है सवाना होल एंड क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल इन एडवांस. एंड इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो उसका आप लोगों को फायदा जरूर मिलना चाहिए. तो सवाना ने इस बारे में सोचा है एंड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 50% अप टू 50% की सेल. एंड 50% इज अ ह्यूज नंबर सेल के उसमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है. बिल्कुल भी मिस मत करना. ट्रस्ट मी, सवाना से शॉपिंग करने का बहुत ही बड़ा नुकसान है. मेरा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि सवाना पे इतनी अच्छी कलेक्शन है ना यार कपड़ों की कि जो देखो वही पसंद आ जाता है. तो तुम क्या खरीदोगे राइट? तो मेरे को तो कपड़े खरीदने थे ना इस होल के लिए, तो मैं जो भी देख रही थी मुझे सब पसंद आता जा रहा था. इतना अच्छा कलेक्शन है सवाना पे. पर्सनली मुझे सवाना की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. तो मैंने उस अच्छी में से कुछ 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 निकाला है आप लोगों के लिए. तो बने रहो इस वीडियो में एंड चलते हैं आज के पहले प्रोडक्ट की तरफ. तो ये है हमारा आज का पहला टॉप. इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड बहुत कॉलेज गर्ल वाइब आ रही थी ये पहनने के बाद. बहुत ऐसे कोरियन टाइप का है ये जो टॉप है और इसका जो पूरा डिज़ाइन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कोरियन टाइप में है एंड बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद. इसका जो आप नेक देख सकते हो ना ये इस टाइप में है, राउंड कॉलर जो होता है ना उस टाइप का है, थोड़ा ऐसे फ्लेरी फ्लेरी टाइप में है तो बहुत अच्छा लुक दे रहा था. पीछे से ये इस टाइप का है, ऐसा कुछ रिवीलिंग नहीं है. अगर आपके थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं तो भी आप इस टॉप को पहन सकते हो हाई वेस्ट जींस के साथ. मैंने भी सेम चीज़ करी थी. इसकी जो स्लीव्स है वो इस टाइप में बैलून स्लीव्स में है एंड यहाँ से इलास्टिक दिया हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा था यार. मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा पिंटरेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड वेरी वेरी प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद. इसका जो आप ये देखोगे ना चेक में है ये, तो ये वाला ये चीज़ भी मेरे को ये प्रिंट टाइप में बहुत अच्छा लगा. तो इसको मैं रेट करूँगी 100 out of 10. तो चलते हैं आज के सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ. तो ये भी एक टॉप ही है एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा बार्बी लुक दे रहा था ये टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बोहो, पिंटरेस्टी, कोरियन जो भी लगा लो सबको सेटिस्फाई कर रहा था ये. मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मेरे को एंड ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस टॉप का डिज़ाइन. ये यहाँ से आप ऐसे टाई कर सकते हो, ये तीन टाई के लिए दिए हुए हैं तो आप ये टाई कर सकते हो आगे से एंड अंदर आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जो पहनना चाहो वो पहन लो. आपको सिर्फ ब्रा पहननी है आप वो पहन सकते हो, आपको कुछ इनर पहनना है ताकि ज़्यादा विजिबिलिटी ना हो तो वो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देख सकते हो. तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड इसकी भी जो स्लीव्स है वो बैलून स्लीव्स में है, प्योर कॉटन का कपड़ा है तो बिल्कुल ही स्किन फ्रेंडली है, समर अप्रोप्रिएट है तो बहुत अच्छा लग रहा था. एंड या बहुत प्यारी ही लुक दी है इसने मेरे को, तो मतलब मेरा तो ऐसे डेली पहनने वाला टॉप बन गया है. मैं हर जगह इसी को पहन के जाने वाली हूँ मुझे समझ आ गया. तो इसको भी मैं रेट करूँगी 10 out of 10. तो चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. टना, तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉप एंड ये आगे से ऐसे टाई कर सकते हो तुम, ये बिल्कुल ही आपके चेस्ट के ऊपर आएगा तो ये इस तरीके से तो ये इस तरीके से टाई हो जाएगा एंड ये टॉप की लुक आएगी कुछ इस तरीके से. पीछे ये पूरा इस टाइप में नेट में है बट पहनने के बाद बहुत ऐसे गंदे वाला सी थ्रू नहीं है, बट अगर आपको फिर भी लग रहा है सी थ्रू है तो आप इसके नीचे ब्लैक कलर की इनर पहन सकते हो. मैंने इस टॉप को पहना था अमेज़ॉन के इवेंट में अभी वेरी रिसेंटली एंड मैंने स्टोरी डाली थी एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इस टॉप का लिंक मांगा था तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ एंड सारे लिंक जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना. तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था टॉप एंड इसका जो नेट है ना वो बहुत डिफरेंट एंड क्लासी टाइप का नेट है. अगर आप लोग देखोगे इसकी जो स्लीव्स है छोटू छोटू सी स्लीव्स थी बिल्कुल, तो मतलब बहुत एक्चुअली बहुत बोसी लुक दे रहा था. इसको आप ना फॉर्मल पैंट्स के साथ भी पहन सकते हो जो मैंने इवेंट में पहना था उस टाइप के उसमें, और आप नॉर्मल स्ट्रेट जींस में भी पहन सकते हो उसके साथ भी अच्छा लगेगा. ये इस टाइप का टॉप है कि आप नीचे बॉटम वियर कुछ भी पहन लो ना हर चीज के साथ ही अच्छा लगेगा. तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है. आप सोच सकते हो कितना पसंद आया होगा कि मैंने इसको अमेज़ॉन इवेंट में डाल दिया था. तो मैं इसको रेट करूंगी 100 out of 10. तो चलते हैं अब कुछ लॉन्ग ड्रेसेस की तरफ.
क्योंकि मैंने कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी पिंटरेस्टी समरी लॉन्ग ड्रेसेस मंगाई हैं सवाना से। तो चलते हैं पहली लॉन्ग ड्रेस की तरफ। तो ये है हमारी इस होल की फर्स्ट लॉन्ग ड्रेस। इसका जो फ्लेयर है, आप इसका फ्लेयर देखो, इतना बढ़िया फ्लेयर दिया हुआ है ना कि कपड़े की कोई कंजूसी करी नहीं है, अच्छा खासा फ्लेयर दिया है। एंड इसका जो प्रिंट है, इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना, वो है इसका प्रिंट। फ्लोरल प्रिंट है, बहुत सारे फ्लावर्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। इतना प्रिंट अच्छी लग रहा था, आप लोग वेकेशन पे कहीं जा रहे हो एंड इसके साथ फोटो डाल दो भाई, बीच पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, नॉर्मल आउटिंग पे जा रहे हो दोस्तों के साथ, इसमें अगर आप लोगों ने फोटो डाल दी तो भाई मच जाएगी आपकी कॉमेंट सेक्शन में। इतने ज़्यादा लोग आपसे पूछने वाले हैं इस ड्रेस के बारे में, क्योंकि इतनी बहुत ही पिंटरेस्टी लुक दे रही थी। और इसकी जो ऊपर से है वो इस टाइप का ऐसे है, ठीक है, ये स्ट्रिप्स दी हुई हैं ऐसे। ये एक चीज़ हो सकता है कि ये थोड़ा सा मेरे को जो थोड़ा प्रॉब्लम दिया था वो ये था कि ये थोड़ी लंबी हैं, ओके, तो ये थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी ताकि ये जो एरिया है ये थोड़ा ऊपर आए, राइट, बट ये थोड़ी लंबी है। लेकिन इसका भी जुगाड़ आप लोग कर सकते हो, ऊपर से ऐसे सेफ्टी पिन लगा के ऐसे अंदर के साइड, एंड आप इसको छोटा कर सकते हो, एडजस्ट हो जाएगी ये। तो इस रीज़न की वजह से ये मत सोचना कि थोड़ा सा रिवीलिंग हो रहा है, ये आराम से एडजस्ट हो जाएगी। एंड बैक भी इसकी डिसेंट ही है, एज सच कुछ बहुत रिवीलिंग नहीं है। और आगे से भी इसका चेस्ट एरिया इस टाइप में है थोड़ा ऐसे करके। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसका मेरे को मेन प्रिंट ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ताकि आप लोगों को पहनने में प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे इन्होंने साइड चेन दी हुई है इतनी बड़ी, ताकि आपको ये फंसे ना, तो इतनी बड़ी इन्होंने ये साइड चेन दी हुई है पहनने के लिए, ताकि इजीली पहन पाओ। तो मुझे पर्सनली ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो इसको मैं रेट करूँगी 10 out of 10। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। टाना, ये भी फ्लोरल प्रिंट में है, बहुत ज़्यादा समर वाइब वाली ड्रेस है, क्योंकि जो फ्लोरल प्रिंट होता है ना वो समर्स में बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत क्लासी लगता है। अगर आपके आसपास ग्रीनरी वगैरह है, अगर आप ऐसी किसी जगह पे घूमने गए हुए हो, तो वकेशन वगैरह के हिसाब से या नॉर्मल आउटिंग के हिसाब से ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। एंड क्रीम कलर का है, इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, और पीछे से जो है ये इस टाइप में स्ट्रेचेबल दे रखा है, ठीक है, तो आपकी फिटिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से लेके इतनी लंबी चेन दी हुई है, आई मीन यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चेन दी हुई है, आप आराम से पहन सकते हो। इसका जो फ्रंट है, जो इसका फ्रंट डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है इसका, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ओके। एंड इसका जो बैक है, ताकि आपको सपोर्ट मिले पहनने में, तो ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा, तो इसमें ये कुछ इस टाइप की शेप आएगी, ओके, इस टाइप की शेप आएगी बैक से। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका भी अगर आप फ्लेयर देखोगे तो काफ़ी बड़ा फ्लेयर है, तो इसमें भी कपड़े में ऐसे कुछ कंजूसी नहीं की गई है। और इसका जो स्लीव्स है, काफ़ी यूनिक सी है, ऐसे प्यारी सी स्लीव्स है कि ऊपर से ऐसे है और नीचे जाके ऐसे छोटी हो रही है, तो उस टाइप का डिज़ाइन है, बहुत अच्छी लगेगी यार इसके साथ आप फोटो शूट कराना, चुम्बेश्वरी लुक। तो इसको मैं दूंगी 9 out of 10। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट लॉन्ग ड्रेस की तरफ। टाना, मेरा होल है, कुछ ब्लैक ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है आज की नेक्स्ट लॉन्ग ड्रेस, इतनी ज़्यादा सिंपल येट इतनी ज़्यादा क्लासी। पूरा जो इसका ये फ्रंट एंड बैक एरिया है ये पूरा स्ट्रेचेबल है, इसकी जो ये पूरी ऐसे दी हुई है ऊपर स्ट्रिप्स, ये भी ऐसे स्ट्रेचेबल हैं प्रॉपर, ठीक है, तो साइज़ का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका भी अच्छा खासा फ्लेयर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, एंड ये इस टाइप में आएगा, तो इसका ऐसे स्क्वायर टाइप में इसका पूरा नेक बनेगा। एंड ऐसा कुछ मतलब डिसेंट ड्रेस है, कुछ आप कहीं पे भी पहन सकते हो नॉर्मली, किसी भी ओकेशन पे, आपका बर्थडे है, आपको किसी और के बर्थडे पार्टी में जाना है, या आपको नॉर्मल वेकेशन पे छुट्टियां मनाने बीचेस वगैरह पे जाना है, गो फॉर दिस ड्रेस। हर टाइप के ओकेशन पे ये ड्रेस चल जाएगी। तो इसको मैं रेट करूँगी 10 out of 10। तो चलते हैं आज की लास्ट, इस होल का लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आने वाला है आपके सामने बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी लॉन्ग ड्रेस। टाना, तो ये आप कलर ही देख लो, कितना यूनिक सा है एंड बहुत ऐसे मतलब न्यूड टाइप का कलर है, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका जो पूरा बैक है
जो अपर बैक है ये पूरी स्ट्रेचेबल है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उस चीज के अंदर आपको साइज में, ठीक है। इसका जो अगर आप बोलोगे जो नेक का वो है, ये आपके ऊपर है, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से। आप इसको जो इसकी स्लीव्स है वो ऐसे करके पहनना चाहो तो आगे से रेक्टेंगल शेप आएगी, और अगर आप कंफर्टेबल हो ऑफ शोल्डर में तो आप इसको ऑफ शोल्डर करके पहन लेना। मैंने इसको ऑफ शोल्डर करके पहना था, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू योर कम्फर्ट लेवल कि आप किस तरीके से पहनना चाहते हो, ठीक है। दोनों ही स्टाइल में अच्छा लगेगा एंड बिल्कुल ही सिंपल सी एंड क्लासी सी ड्रेस है। आप लोग देखो इसके नीचे आप पहनना बूट्स, तब भाई लुक आएगा, लिटरली बूट्स पहन लेना, ठीक है। ये इसका पूरा फ्रंट है, फ्रंट में आप देखोगे तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है इस टाइप में, जो इसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप का बना रहा था। जो आगे वो पूरी बड़ी वाली बेल्ट आती है ना ब्लैक कलर की, काफ़ी लोग पहनते हैं जिसमें लेसिस भी होती है, ये बिल्कुल उसी टाइप की लुक दे रही थी एंड बहुत अच्छी लग रही थी। प्लस इस पूरे ड्रेस का मटीरियल काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है एंड समर अप्रोप्रिएट है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका मटीरियल, तो अच्छा लग रहा था एंड इनफैक्ट मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि इनमें से मेरा फेवरेट क्या है, बट आई थिंक आप लोग इतने कंफ्यूज नहीं होंगे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज़्यादा इस हॉल में क्या पसंद आया है। एंड अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना and happy independence day again, so bye bye and love you।